हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आपको किचन में जो हमारे घी के डिब्बे आते हैं उनका आपको अच्छे से कंटेनर बना के दिखाऊंगी। तो एक मैंने स्पंज का टुकड़ा लिया है, और उसको ऐसे पेंट में भिगोया है बिल्कुल पतला पतला। एक एक कोट में ये बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे। स्पंज के टुकड़े से बहुत जल्दी पेंट होता है और ये सूखता भी बहुत जल्दी है दोस्तों। ये देखिए, फटाफट एकदम ये 10 मिनट में ये सूख भी जाएगा आप अगर इसे धूप में रखेंगे। ऐसे मैंने बहुत सारे डिब्बे बनाए हैं, तो आप इनके ऊपर कुछ लिख भी सकते हैं, कुछ डिज़ाइन भी बना सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है, या कुछ आप इसके ऊपर ऐसे कोई प्रिंट का कपड़ा या नेट का कपड़ा कुछ भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या पसंद आता है। ये मैंने ऐसे एक, ये हमारा ब्रश रखने का होता है ब्राउन कलर का, ये कोई भी तो इतना अच्छा नहीं लगता है। इसको अब हमने मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छा मोटा मोटा पेंट किया है उसी स्पंज के टुकड़े से, और इसमें मैं अब मनी प्लांट लगाया है। हम इसको किचन में भी रख सकते हैं, अगर आप इसमें छुरी कांटा रखना चाहे तो, अगर सेंटर टेबल डाइनिंग टेबल कहीं भी इसको आप प्लेस कर सकते हैं, तो ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये छोटे छोटे आइडियाज़ ये बहुत अच्छे लगते हैं और हमें अच्छी खुशी भी मिलती है कि कितना अच्छा बना। एक नेट का कपड़ा लिया है मैंने, मैं इन डिब्बों के ऊपर इस तरह से एक नेट लगाऊंगी वाइट पेंट के ऊपर, क्रीम कलर का नेट है गोल्डन कलर, और मैं इसको चिपकाऊंगी नहीं, केवल सुई से इसको टांके मार के लगा दूंगी ताकि हम इनको बहुत गंदे हो जाए तो धो भी सकें। यूँ कहीं यूँ आप इसको कवर कर दीजिए और नीचे को खिसका के उतार के इसको धो भी सकते हैं, फिर लगा सकते हैं। मन चाहे इनको आप आकार दे सकते हो, अगर इससे मन भर जाए तो हम उसके ऊपर फिर कलर दूसरा कलर कर सकते हैं, फूल पत्ती बना सकते हैं, कॉफ़ी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कॉफ़ी, टी, शुगर, जो आप इसमें रखना चाहे। ये मैंने इसको सुई से टांग दिया, आप प्लीज़ मुझे बताना कि आपको मेरा कौन सा DIY अच्छा लगता है या डेकोरेशन अच्छी लगती है, तो आप मुझे ज़रूर बताना। इस तरह से तैयार, एकदम किचन खिली खिली सी बन जाती है और इनके ऊपर इतनी धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी। तो आप इसको ऐसे ही पोंछ दे कपड़े से तो क्लीन हो जाएगा। कुछ मैंने प्लेन रखे हैं इसको, और कुछ के ऊपर मैंने ये नेट लगाया है, और एक ही मेरे पास बास्केट है। ये मेरे पास नेट पड़ी थी तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर एक नेट लगाया। इसको भी मैंने किसी ग्लू से नहीं चिपकाया है, इसको इसमें भी मैंने सुई से सिलाई किया है ताकि हम जब चाहे धो सकते हैं, गंदी हो जाए और हमारा मन चेंज हो जाए कि हमें खाली बास्केट ही चाहिए या कुछ और करना है, तो ये मैंने एक सेट बनाया। अब फटाफट लंबे लंबे टांके भर दीजिए, जब आप चाहे तो इसको खोल लीजिए।
और एक मैं ये भी रनर बनाऊंगी टेबल का रग। बचे मेरे पास ये काफ़ी टुकड़े पड़े हुए थे तो इनको मैंने ऐसे 3 इंच या 4 इंच ऐसे काट लीजिए आप अपनी। ज़्यादा चौड़ा काटेंगे तो हमारी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी सिलाई करने में। तो मैंने इसमें 3-3 इंच की ये पट्टियाँ काटी है। ये मैंने पहले भी बनाया था, बहुत सुंदर लगता है ये रग और ये हमारी पट्टियाँ काम भी आ जाती है। अगर इसको हम राजस्थान में, ये बहुत प्रचलन है इन चीज़ों का, ख़रीदेंगे तो आप जाके देखिएगा, हमें काफ़ी महंगा बताते हैं। तो ये मैं इस तरह से बनाया सिलाई करके। आप अपने हिसाब से किसी भी कलर को जो आपको सुंदर लगे खिला हुआ, तो इस तरह से आप पट्टी इसमें जोड़ लीजिए। मैंने इसमें 4 कलर लिए हैं और सभी प्रिंट वाले हैं, एक दूसरे के साथ कंट्रास्ट मैचिंग के। आप कितने भी छोटे बना सकते हैं, बड़े बना सकते हैं, लंबी लंबी पट्टी काटने के बाद टेबल मैट भी बना सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें स्टिचिंग करके भी दिखाऊंगी। मैं नीचे 7 के 7 इसमें कपड़ा लगा दिया, हमें बाद में अस्तर नहीं लगाना पड़ेगा। आप बाद में भी लगा सकते हैं उसके नीचे, जो उसकी सिलाई छुप जाए, और इसके साथ साथ भी लगा सकते हैं। मैंने साथ साथ ही इसमें पट्टियां जोड़ी है नीचे के अस्तर को लेने के बाद, उसी के मैं ऐड करती रही मैं इनको। आप खाली भी लगा सकते हैं और फिर बाद में लगा सकते हैं अस्तर। ये देखिए, ये इस तरह से कंप्लीट होगा, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है। और बाद में मैंने इसमें चारों तरफ पाइपिंग लगाया है। आप मुझे बताना कि आपको ये मेरा DIY कैसा लगा, और उसके बाद में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके साथ मिलती हूँ। एक आपको होम टूर दिखाना है, और मैं काफ़ी चेंज करती हूँ तो मैं आपको ड्राइंग रूम दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन से कोने तैयार किए हैं। ड्राइंग रूम के मैं आपको कॉर्नर दिखाऊंगी, और उसके बाद मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगी, एक बहुत सुंदर टेबल रनर बनाऊंगी। आप बताना आपको मेरे आइडिया कैसे लगते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ये मैंने इसमें चारों तरफ पाइपिंग लगाई है। आप चाहे तो कोई लेस भी लगा सकते हैं, पर मैंने इसमें पाइपिंग ही लगाया है, ये देखिए। और इसमें मैंने ये पोम पोम लगाए हैं बनाने के बाद, ये बहुत सुंदर लगेंगे। आप भी इस तरह से लगाइए और टेबल पर डालिए, आप कहीं भी डाल सकते हैं, पैक टेबल पर, बेड साइड स्टूल में, डाइनिंग टेबल। मैंने ये सेंटर टेबल का बनाया है और एक डाइनिंग टेबल का छोटा, या जो मेरे पास रैक रखी है अभी फ़िलहाल, तो मैंने इसको रैक पे डेकोरेट किया है, रैक और सेंटर टेबल, ये इस तरह से देखना। ये मैंने चारों तरफ इसमें ये लगा दिए। ये देखो, ये मैंने अभी डाइनिंग टेबल पर इसको आपको रख के दिखाया। आप चाहे कहीं भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैं तो जगह बार बार चेंज करती रहती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको अपने हाथ से बनाने के बाद बहुत खुशी जो आती है हमारे दिल में, अच्छा लगता है। और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बहुत इजी है, आप बनाइए। ये देखें,
एक मैंने ये बनाया था, तो आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, किचन में, डाइनिंग पे, सेंटर टेबल पे, कहीं भी रख सकते हैं। मैंने अभी इसमें फ़िलहाल मनी प्लांट रख दिया, ये सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, आप कहीं भी रख सकते हो। आप प्लीज़ मुझे बताना कि आपको मेरा आइडिया कैसा लगा। ये देखो, आप कहीं भी इसको रख सकते हैं, सेंटर टेबल, शोकेस, डाइनिंग टेबल, किचन, जहां आपको अच्छा लगे। अब बताना ये आपको कैसा लगा। मैं फिर आपको एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ, तो बाय।